स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आर सी आई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था, जिसमें पिछली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। आगे हम इनका फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी? डू और डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस एमवी फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला होगा इसका, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दो फॉर्मूले, पहला हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेनी है? डू और डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस एमवी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा फॉर्मूला, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है क्या वह एक गाना गाती है? डियर स्टूडेंट्स, टी है हमने देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और क्या से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूले के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह, सी, तीसरे नंबर पर वर्ब सिंग, उसके बाद ए
सुन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अंत में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। डज सी सिंग ए सॉन्ग। दूसरा एग्जाम्पल है, वह यहां क्यों आती है? वह यहां क्यों आती है? क्वेश्चन मार्क। क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड, वह। उसके बाद क्या हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज। वह सब्जेक्ट सी क्या क्रिया कर रही है? आने की क्रिया कर रही है। आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम यहां, हेयर। अंत में क्वेश्चन मार्क। वह यहां क्यों आती है? वह डज सी कम हेयर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, तीन सेंटेंस पढ़ लिए, चौथा सेंटेंस पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला होता है पहला हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेनी है? डू और डज प्लस उसके बाद क्या सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का यूज होगा। प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य दो प्रकार से शुरू होते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से। इसका फॉर्मूला होगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ? डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम नहीं दौड़ते हो? क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स, क्रिया क्या कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है। और अंत में क्या रहा है? ते है। हमने पहचान लिया कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। क्या से स्टार्ट हो रहा है और बीच नहीं लगा हुआ है तो पहचान जाएंगे कि क्या है। यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूले के आधार पर हम बनाएंगे सबसे पहले डू, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, तीसरे नंबर पर नोट, उसके बाद क्या क्रिया कर रहा है दौड़ने की, रन।
और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल है सीता चाय कब नहीं लेती है। सीता चाय कब नहीं लेती है, क्या क्रिया कर रही है, लेने की। वर्ब के अंत में क्या रहती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नहीं आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाएंगे कब, डब्ल्यू एच वर्ड है वहन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डज, सीता। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होगा, नोट का, नोट। टेक टी, क्वेश्चन मार्क। सीता चाय कब नहीं लेती है, क्वेश्चन मार्क। वहन डज सीता नोट टेक टी। इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े।